एकदा धनुरुद्यम विचरन मृगयां बने मृगाननुगतः श्रांता क्षुदितस्तृप्तो भृशम। एक दिन की बात, राजा परीक्षित जी धनुरुद्यम धनुष उठा करके मृगयाम विचरण बने, शिकार के लिए वन में गए। और जब शिकार के लिए वन में ये गए तो एक मृग को अनुगमन करते हुए बहुत दूर तक निकल गए और श्रांता थक गए, क्षुधिता भूख लगाई, त्रिषितो भृशम बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो उसी के लिए जलाशया मचक्षाण प्रविवेश तमास्त्रम ददर्श मुनिमासीनम शांतम नीमित लोचनम। जलाशय को अचक्ष माना, माने जलाशय को ढूंढते हुए घूम रहे थे और एक जगह है जा करके जंगल में प्रवेश किए, तो वहाँ पर एक आसीनम मुनिम ददर्श एक बैठे हुए महात्मा को देखा, जो मिलित लोचन आंखें बंद करे हुए बैठे हैं, शांत स्वभाव से बैठे हैं। और उनको जा करके देखा और वहाँ जा करके उनके जटाओं से चारों तरफ से मुंह ढका हुआ था और बड़ा ही उनका तेज था। अजिन माने मृग चर्म पर बैठे थे और वहाँ पर जा करके वहाँ पर उन्होंने जल मांगा, महात्मा जी जल पिला दो। और वे थे समाधि में, समाधि का मतलब भगवान के ध्यान में, संसार का उसे कोई उन्हें पता नहीं था, वे भगवान के ध्यान में थे। राजा ने क्या कहा ये नहीं सुन पाए, तो राजा को लगा कि अवज्ञातम इव आत्मानम मन्यमानस चुकोपः, अपना अपमान मेरा कर दिया है, ऐसा राजा ने माना और उसी बात पर चुकोप नाराज हो गए। और जब नाराज हो गए तो सतु ब्रह्म ऋचिरंशे गतासोन्मुर्गम रुषा, वहीं पर जब उन्होंने समझा कि मेरा अपमान किया है, तो वहाँ पर वो ब्रह्म ऋषि के अंश माने कंधे पर गत सूनु मरे हुए सांप को गुस्से में आकर के विनिर्गच्छत धनुर्कोट्या निधाय परमागमत, और वहाँ पर लेकर के धनुष की कोटी, आपने धनुष बना हुआ देखा चित्र में, पहले ऐसे सीधा होता, फिर ऐसे, फिर एक टेढ़ा टेढ़ा होता है जिसमें धागा बांधा जाता और उसी से धागा जुड़ा होता है, तो वो जो होता है धागा जुड़ा हुआ, तो उसी जो मुड़ा हुआ होता है उसी को कोटी कहते हैं। तो उस धनुष की कोटी माने उस किनारे से ऐसे लटकाया और ऐसे करके उनके गले में गमछा ऐसा पहना करके, और इतना करके पुरम आगमत घर को चले आए, राजधानी को चले आए। और ये बात जिस समय सुनी किसी पथिक ने, राहगीर ने बता दिया उनके लाला को कि देखो तो किसी ने तुम्हारे पिताजी के कंधे पर मृत सर्प गले में डाल दिया है। और जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और इत्युक्त्वा उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कौन है जो हमारे समाधिष्ट पिताजी के गले में मृत सर्प डाल दिया है, ऐसी दृष्टता किसने की है, अगर जो किसी ने दृष्टता की है तो उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसको दंडित करूंगा। और इत्युक्त्वा रोष ताम्राक्षो
इस प्रकार से गुस्से से लाल लाल आंखें हो गई और वयस्यान ऋषि बालकान, जो वयस्य माने होता है अपने बराबर की उम्र के, एक तो वयस्य माने वय माने होता है अवस्था, और अपनी अवस्था जैसे तुम दोनों हो एक ही टाइम की हो, साल दो साल की इधर उधर हो कि नहीं, और अगर जो कोई 20-20 साल की हो, 20, 22, 21, 19 ऐसी हो, तो वे अपने बराबर की, तो उसी को वयस्य कहते हैं माने अपने बराबर के। तो उन सारे बालकों के जो उनके बराबर के थे, जो ऋषि बालक थे, उनके सामने उन्होंने क्या किया, कौशिक्यापृश्य वाग्वर्जम विस्तर्जहा, कौशिकी नदी के अपह माने जल को ऊपर पृष्ठ माने हाथ में लेकर के और एक वाक वज्र छोड़ दिया, और उन्होंने कहा इति लंघित मर्यादा, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, तक्षक सप्तमे हनि, ठीक आज से सातवें दिन तक्षक नाग दांक्षत्न कुलांगार चोदितो में तद्रुहम, कहने लगे उसे उसे कुलंगारम, उस कुलंगार को वही तक्षक सर्प दांक्षति डसेगा, और मैं चोदितो माने मेरे द्वारा प्रेरित करने पर मेरे शाप के कारण उसका नाश होगा। और इस प्रकार से उन्होंने कहा, और इस प्रकार से दौड़ करके ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोध। इस प्रकार से वैसे जल्दी पानी वानी से निकल के अपने जो कुछ कपड़े थे ऐसे में किसे नहाने की खेल की सूझ पड़ती है। अच्छा माता जी, पानी में कभी बचपन में खेले कूदे हो कि नहीं? नहीं खेले। अब भाई नहीं पानी खेलोगी कहाँ थे, हमसे पूछो इनसे पूछो, कह भैया सुरेंद्र जी नदी नहाए हो ना? अरे क्या बात है, गंगा जी का किनारा है, गंगा जी है। तो हम लोग नहाते थे तो हमारा सबसे फेवरेट खेल ही नदी में होता था। अब गर्मी है, अब पता लगे घर में भैंसें हैं, धूप से इस समय बताओ कितनी गर्मी, भैंसे हैं उनको खोल के छोड़ दी नदी में, वे अपन को आराम से आराम कर रहे हैं, तब तक हम सब बराबर के खेलकूद में लग गए। ऐसे ही ये ऋषि के बालक नहाने और खेल में लगे थे, और उसी समय किसी ने बता दिया तो शाप दिया। तो एक बार बता, पिताजी के गले में मृत सर्प पड़ा तो खेलने कूदने की किसे याद रहती, सब भागे वहाँ से, और आ करके यहाँ पर देख करके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बालक थे छोटे, तो मुक्त कंठोर रोदहा, खुले हुए मुक्त कंठ माने खुले हुई आवाज में रोना, एक तो होता है घूंघट मार के फुसुर फुसुर रोना है ना, और एक हाहाकार मचा के रोना, जो मतलब 10 घर दूर का पड़ोसी भी ना सो पावे, एक वो होता है ना, उसी को मुक्त कंठ रोना कहते हैं। मुक्त कंठ से जिस समय बालक रोने लगा तो तुरंत ही उनके पिताजी ने सवा आंगिर सो ब्राह्मण श्रुत्वा सुत विलापनम, वो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण ने अपने बच्चे का रोना सुन करके उनमील सन कई नेत्र दृष्टवा स्वांसे मृतोरगम, और उनमील आंखें खोल के देखा, धीरे से आंखें खोली और आंखें खोल के देखा कि बच्चा तो रो रहा है, और अपने से देखा तो मरा हुआ सर्प लटका हुआ है। और इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर अपने बेटे से पूछा, बच्चा क्या हो गया, अकस्मात इद्धि रोदशी, तुम किस लिए तुम रो रहे हो, वत्स केनवा ते प्रकृतम मृत्युक्त, तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ दिया बच्चा बताओ। और फिर इसके बाद पिताजी से कहा, पिताजी आपके गले में कोई धूर्त व्यक्ति आकर के मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, यही हमारा कष्ट है। तो उन्होंने कहा कि तो लाला तुमने कुछ कह तो नहीं दिया, अरे कह कि हम छोड़ दे, हमारे पिताजी के साथ ऐसा किया दुर्व्यवहार, मैं कैसे छोड़ देता। अब उन्होंने ये देखा कि इसने
हमारे लाला ने शाप दे दिया। तो उन्होंने सोचा देखे इसका, इसने किसका सत्यानाश किया है। तो जानने के लिए उन्होंने फिर ध्यान लगाया तो देखा कि परीक्षित जी आए हुए थे, भूख से प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने भूख प्यास के कारण ये अपराध किया। तो अपने बेटे को बहुत समझाया, लाला तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। बताया कैसे, कलयुग का आखिरी राजा है जो इतना धर्मात्मा है, और तुमने मरने का शाप दे दिया उसे। अब दोबारा कभी भी इतना धर्मात्मा राजा कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आगे कलयुग आ गया है, और यही एक ऐसे धर्मात्मा है जिन्होंने साक्षात नारायण का दर्शन किया है। इनके दादा परदादे बड़े धर्मात्मा थे। अब आगे आने वाले समय में जो भी राजा होगा वो सब अधर्मी अन्यायी होंगे। और इस प्रकार से उन्होंने पुत्र को डांटा, लेकिन तुरंत जा करके उन्होंने भेजा, जाओ चले जाओ। कहाँ चले जाओ, राजा को सूचित कर दो कि तुम्हें शाप लग चुका है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई कूड़ा भी फेंक के चला जाए और तुम्हें पता लग जाए कि इसने फेंका, का करोगी तुम? एक्सीलेंट, कितनी माता ईमानदार है, तुरंत कह दिया लड़ाई करेंगे। वाह वाह वाह, इनके लिए ताली बजा दो। अच्छा एक बार माता ने तुरंत कहा, लेकिन यहां महात्मा का अपराध किया है। और महात्मा ने कहा कि तुमने बहुत गलती की है, उसने भूख प्यास के कारण ऐसा किया। इसीलिए संत आदरणीय होता है। तुलसीदास, अरे हरेक ग्रंथ में, भागवत में संत की महिमा बड़ी विचित्र है। रामचरितमानस में एक बार तसल्ली नहीं हुई, तीन तीन जगह संत की महिमा का वर्णन किया गया है, बड़ी सुंदर। तो यहाँ पर सुंदरकांड में भी एक वाक्य में संत के लिए कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत सोई करत भलाई, यहां पर कहा है कि पार्वती जी हुआ क्या, तुम्हें कंडीशन घटना बता दे फिर तुम्हें पता लगेगा। हुआ क्या कि विभीषण ने कहा भैया बहुत गलत कर रहे हो, सीता को दे दो, बहुत फायदे में रहेगा, काहे को तुम फालतू का पंगा ले रहे हो, तुम अपना काम देखो, उनको अपना काम करने दो, क्यों तुम व्यर्थ में उड़ता तीर ले रहे हो। बहुत समझाने की कोशिश करी तो रावण ने उछल के लात मार दी, और रावण ने जब लात मार दी तब विभीषण का प्रतिउत्तर क्या था, कह रहे कि तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, तुम पिताजी के बराबर हो, भले ही तुमने मार दिया क्या अंतर पड़ता। लेकिन फिर भी पार्वती जी झटकने लग गई, अरे सुनो तो भोले बाबा शंकर भगवान सुनो तो, क्योंकि हाँ क्या हो गया, अरे क्योंकि अभी आप कह रहे थे, क्या कह रहा था, अरे आप कह रहे थे कि रावण ने लात मारी और फिर उन्होंने फिर भी उनके चरण पकड़े, तो कहे कि हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा कैसे, अगर जो किसी के कोई लात मारेगा तो ईंट उठा के नहीं मारेगा वो। तो शंकर जी के बहाने तुलसीदास जी कहे कि उमा संत कहे यही बड़ाई, संत की यही बड़ाई माने यही उसका बड़प्पन है। क्या कि मंद करत, जो उसका बुरा भी करेगा तो सोई करत भलाई, बुरा करने पर भी साधु होगा उसका भी भला करना चाहेगा, ये संत की परिभाषा होती है। भले ही रावण ने लात मारी तो क्या हुआ, फिर भी उनके समझाने लगे कि नहीं मार लिया कोई बात नहीं, फिर भी अभी भी तुम्हारे लिए कल्याण की बात यही। तो ये चीजें होती है। तो यहां पर उन्होंने जब कहा और इस प्रकार से जब कह दिया,
तो उन्होंने दो शिष्यों को भेज दिया और जाकर के कह दिया कि तुम्हें हमारे पुत्र ने गलती से आपको शाप दे दिया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और आप अपने क्या करें, शाप तो मिल ही गया है, कुछ उपाय करना हो तो कर लो। अच्छा एक बात और बता दें, प्रतिक्रिया देना भी एक बहुत कठिन काम है। अच्छा माता जी आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर देना, ठीक है सब लोग। एक बार बताओ माता, पैसा कमाना ज़्यादा कठिन है या उसका खर्च करना ज़्यादा कठिन है? खर्च करना कठिन है ना तुम्हारे हिसाब से? हैं बा उत्तर तो सही दिया लेकिन अभी तुम जगह पर पहुंचे नहीं। देखो पैसा कमाना सरल है, बिल्कुल ठीक है, किसी के गली में झाड़ू लगा दो तो भी पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उस पैसे को कहाँ खर्च करें जो 100 खर्च करे 500 तैयार हो, वास्तव में खर्च करना ही कठिन है। समझ गए? वास्तव में खर्च करना। अच्छा व्यक्ति क्या है, कमा तो सब लेते हैं लेकिन खर्च करना नहीं जानने के कारण जीवन भर कमाते हैं, और जो होशियार होता है तो कमा एक बार लेता है फिर वो खर्च ऐसी जगह करता है कि उसका कमाना बंद, पैसा से पैसा आना। हाँ अगर जो सही जगह इन्वेस्ट नहीं तो ठीक कहा, लेकिन ये नहीं समझ पाई थी मैं इनकी कही तो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो कहने का मतलब ये होता है ऐसे ही गुस्सा होती है, ऐसे ही तुम्हारा उत्तर देना होता है और ऐसे ही किसी को सजा देना होता है। अच्छा अनजान व्यक्ति सजा तुरंत देगा, अनपढ़ की सजा देने में और पढ़े लिखे की सजा देने में अंतर मालूम है? मैं आपको बता दें, अनपढ़ व्यक्ति सजा तुरंत देगा, तुमने गाली दी वो ईंट उठा के फेंक के मारेगा, ठीक है सजा दे दी उसने, लग गई तो ठीक है, लग गई तो टांग आंग टूटेगी, नहीं लग गई तुम भाग गए तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा यदि किसी ने गाली दी है उस समय ईंट उठा के नहीं मारेगा, वो फिर ऐसा मारेगा कि तुम जीवन में खड़े नहीं हो पाओगे। तो ये होता है। तो अच्छा ये जो समझ होती है ना, ये बहुत विकसित दिमाग वालों के पास समझ होती है, समझ गए, बहुत विकसित दिमाग वालों के पास होती है। और जिसका दिमाग विकसित नहीं होता है तो वो ना तो गुस्से को सही उपयोग कर पाता है और ना ही अपने ज्ञान को, ठीक है। तो अब जैसे सांप को देख लो, अगर जो बड़ा सांप होगा खूब जवान सांप होगा ना, तो वो जवान सांप की एक विशेषता होती है, जब आखिरी चांस बचेगा कि हम इसको काट के ही हमारी जान बचेगी तब काटता है, समझ रहे हो, कि अगर जो मैं नहीं काटूंगा तो ये हमें मार डालेगा तब वो काटता है, नहीं तो साधारण जवान सांप काटेगा नहीं, वो भागने की सबसे पहला ऑप्शन वो निकालेगा भागने का, समझ गए। लेकिन अगर जो सांप का छोटा बच्चा होगा ना तो वो सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें काटने का निकालेगा, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है। बड़ा सांप हो जाता तो उसे ये पता होता है कि ये जहर जो है हमारा पेट भरने के लिए ये भगवान ने दिया है, लेकिन छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता जहर किस लिए, तुरंत काटेगा। यही गलती हो गई श्रृंगी ऋषि से, जिन्होंने शाप दे दिया, समझ गए, जिन्होंने शाप दे दिया बिना किसी सोच विचार के और तुरंत कह दिया। लेकिन ये थे महात्मा, पिताजी बड़े, तो इनको समझ थी कि अरे वो गुस्से में आखिर किया क्यों, तो भूख थी प्यास थी, और भूख प्यास एक ऐसी होती है कि सारी बुद्धि हर लेती है, और अगर जो हमारा अपराध किया था लेकिन कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तुमने शाप दे दिया है ना, तो इस शाप का परिणाम पूरा देश क्या पूरा विश्व अब भोगेगा तुम्हारे इस शाप का परिणाम। कि ये कैसे, क्योंकि ये ऐसे भोगेगा पूरा विश्व परिणाम कि इतना धर्मात्मा राजा अब दोबारा तुम्हें
कभी नहीं मिलेगा। और अधर्मी राजा जिस समय होता है तो पूरी प्रजा दुखी होती है, और जब प्रजा दुखी होती है उसके कारण बनेंगे हम, क्योंकि इतने धर्मात्मा राजा को मैंने शाप दे के मार दिया है। तो ये बात समझाई। अब यहाँ की बात सुनो, कहाँ गई? परीक्षित जी जब आए, परीक्षित जी जब घर में आए, उनको जल मिला, पानी मिला, सब कुछ सेवा हुई, जब उन्होंने उतार के मुकुट थोड़ी देर हवा ले ली, तब उनको याद आई कि मैं तो एक महात्मा के गले में सर्प डाल के आ गया हूँ। अब उन्हें बड़ा दुख हुआ, और इतना दुख हुआ उन्हें कि देखो मुझे कोई शाप देने, मुझे कोई दंड देने वाला नहीं, मैं महात्मा का अपराध करके आ गया हूँ। तब तक इनके जो महात्मा के जो चेला थे, गौरमुख नाम था, दो चेला वहाँ पर आ गए, कहा कि महाराज आपको बच्चे ने गलती से शाप दे दिया है, और वो तक्षक के डसने का शाप दिया है, इसलिए आपसे निवेदन है महात्मा जी कि राजा परीक्षित जी आप अपने कल्याण का कुछ मार्ग ढूंढ लो, क्योंकि शाप लग चुका है। तब राजा परीक्षित जी के मन को शांति मिली कि चलो किसी ने तो मुझे दंडित किया। ये होता है धर्मात्मा राजा। आजकल के राजा क्या है, क्राइम पर क्राइम करते चले जाएंगे और अपने पावर का दुरुपयोग करके पुलिस को भी डांट देंगे, इसको डांट देंगे, उसको डांट देंगे, और परिणाम ये होता है कि जो रक्षक बनते हैं, जो संकल्प लेकर के रक्षा करने की संकल्प करते हैं कि हम निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, वही देश को भक्षण करने का काम करते हैं। और इतने अधर्मी आजकल के नेता लोग हो गए हैं। अब आपके यहाँ ना हो नहीं है तो बात अलग है, हमारे यहाँ तो देखो योगी बाबा ने जिस समय सफाई शुरू करी है तो ऐसे जाने कितने नेताओं को ठिकाने लगाया है, वो तो तुम सब जानते ही हो। तो ये ऐसे ही नेता थे। अच्छा वहाँ पर ही थोड़े कहे जाएंगे कि हम जाके प्रजा पर पुलिस को दबा करके हमने अपने पावर का अनुपयोग करके दुरुपयोग करके हम जनता का ही पैसा लूटेंगे, ये तो वहाँ का संकल्प किया नहीं है। कहा है कि हम निष्ठा से देश की सेवा करेंगे, और करते ये रहे। और जब उन्होंने पाप का घड़ा भर गया तो योगी बाबा ने फोड़ डाला, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसे होता है। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि अब आगे से इतने धर्मात्मा राजा नहीं होंगे, बाकी सब लूटने वाले होंगे। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो परीक्षित जी ने तुरंत जनमेजय को राजा बनाया, राजा बना करके और वहाँ से तुरंत गंगा जी की तरफ निकल लिए, और वहाँ से निकल करके एक जगह बैठ गए। वहाँ पर कई एक महात्मा आ गए, यहाँ नाम दिए गए उन महात्माओं को का, तो बहुत से यहाँ पर महात्मा आए, अब आ करके वहाँ पर सब बैठ गए हैं। और बैठ गए, बैठ करके सारे महात्माओं ने विचार करने लगे कि अब करें तो क्या करें। तो सारे महात्मा कहने लगे कि अब ऐसा है कि अब क्या राजा की दुर्दशा देख के चलोगे, अब चलो हम तुम कहीं भजन करते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, क्योंकि अब इसको नाग सांप डसेगा, और सांप का डसा हुआ व्यक्ति प्रेत बनता है, पक्का होता है। तो क्या राजा की दुर्दशा देख के चलने की इच्छा है? क्योंकि नहीं, कुछ महात्मा थे कह रहे कि सर्वे वयम तावदिहास्महेद्य कलेवरम यावद सौ विहाय लोकम परम विरजस्वम विशोकम यास्यत्ययम भागवत प्रधाना। कहने लगे कि सर्वे वयम तावत इहास्महेद्य, मैं तब तक यहाँ पर रहूँगा, कब तक? क्योंकि कलेवरम यावत असौ विहाय, जब तक ये शरीर छोड़ करके नहीं जाएगा। तो क्योंकि पूछा कि जाएगा कहाँ, तो क्योंकि जाने के लिए तुम्हें क्या लग रहा है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, हम तुम लोग रोज तपस्या करते हो, जाने कब से करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं किया, और इनका सौभाग्य देखो जन्म लेने के पहले ही एक बार भगवान का दर्शन किया, जन्म लेने के बाद भी किया, इनसे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? कह कि हाँ ये तो सही बात है। तो तुम्हें क्या लगता है, नरक जाएंगे, प्रेत बनेंगे?
क्योंकि फिर क्या होंगे, क्योंकि अरे क्योंकि लोकम परम विरजस्वम, विरजस्कम माने होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, अर्थात वैकुंठ में, और विशोकम जहाँ पर कोई शोक नहीं है, यास्यति अयम, ये वहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भागवत प्रधाना, ये सबसे बड़ा भागवत माने भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है, इसलिए मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, मैं नहीं जाने वाला। अच्छा नहीं जाओगे तब ठीक है, हम भी रुकते हैं। अब विचार करने लगे क्या करें, ब्रह्म सूत्र सुनाया जाए, भक्ति सूत्र सुनाया जाए, वेद सुनाए जाए कि वेदांत सुनाए जाए, क्या करें क्या ना करें, वहाँ पर चर्चा चलने लग गई। तब तक यहाँ पर तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानु नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालै रवधूत भेषः। तब तक वहाँ पर भगवान व्यास पुत्रो अभवत, साक्षात नारायण व्यास पुत्र माने सुखदेव भगवान के रूप में आ गए, और यदृच्छया माने वैसे ही टहलते टहलते इच्छा अनुसार। अच्छा जैसे कि एक बात बताओ, जैसे कि कोई सवेरे सवेरे टहलने के लिए निकले तो कोई लक्ष्य है कि हम यहाँ तक जाएंगे या इस गांव तक मुझे जाना, लक्ष्य तो नहीं है। अचानक वो टहल रहा है और गलती से घूमते घूमते दिखाई पड़ गया कि अरे वाह क्या बात है, ये खेत कितना बढ़िया, तो उधर को घूम सकता है कि नहीं। तो यदृच्छया वैसे ही घूमते घूमते और वहाँ पर आ गए। गाम अटमानो, पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, अनपेक्षा कोई इच्छा नहीं थी कि हमें यहीं जाना या वहाँ जाना है या हमें ये चाहिए या वो, कुछ नहीं, और घूम रहे थे और आ गए। और है कैसे कि अलक्ष लिंग, लिंग माने स्वरूप छिपा हुआ है, और निज लाभ तुष्टो अपने ही आत्मा में आनंदित रहने वाले हैं, उन्हें कहते हैं निज लाभ तुष्टा। निज लाभ तुष्टा की परिभाषा जानते हो? निज लाभ तुष्ट जो होते हैं महात्मा, उनका एक ही सूत्र होता है, क्या? ना तो किसी से कुछ कहना, ना तो किसी से कुछ सुनना, ना ही किसी से कोई लेना, ना ही किसी से कुछ देना, और बस उनका एक ही रहता है कि किसी से कि कुछ लेना ना देना। एक बार सुनो, पहले बात सुन लो, जो आखिरी होती है ना, छह मात्रा हम चला रहे थे ना, तो तुमने कहरवा ले ली थी, ये नहीं ली जाती, तुम्हारी जय हो जाए, ठीक है, इससे जो है ना भाव खत्म हो जाता है। इसके बारे में तो हम बताएंगे आज संगीत में, इस ताल का भी भाव होता है, जैसे राग के भाव सुने तुमने, हाँ, कि आसावरी गा दो तो उसमें विरह होता है, जैसे ताल का भी भाव होता है, जैसे ही तुमने ताल बदली तो सारा मामला बदल गया। तो बोलिए गोविंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय। तो ऐसे महात्मा जो होते हैं वो वहाँ पर आए, और आ करके ऐसे महात्मा की परिभाषा हम निकाल लें, फिर हम बतावें। ऐसे यही तो दिक्कत है हमारी जीवन की, कहाँ क्या रखा है समझे नहीं है इसमें है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।